दोस्तों नमस्कार, जगजीत चौधरी व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ वोल्टन कंपनी में, जो कि ये ट्राई साइकिल बनाती है। और दोस्तों इस कंपनी के जो ऑनर हैं प्रशांत जी, उन्होंने मेक इन इंडिया को बिल्कुल फलीभूत किया है। बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने वो काम करके दिखाया है कि इस जो ये सेगमेंट है जो मैं चला रहा हूँ, इसमें दो सेगमेंट हैं। एक चलता है एक बार चार्ज होने के बाद 40 किलोमीटर, और दूसरा चलता है 80 किलोमीटर। इसके लिए आपको हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैं ये जो सेगमेंट आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही शानदार है, बिल्कुल अद्भुत है और गजब है, अल्टीमेट है। तो फ्रेंड्स ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ज़रा, ये देखिए, इससे कोई प्रदूषण नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं फैलने वाला है। और हमारे बुज़ुर्ग माता पिता, हमारे दिव्यांग भाई लोग, हमारे बच्चे, हमारी जो गुड़ियाँ हैं, बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, स्टडी में जाने वाले, ट्यूशन में जाने वाले, उनके बहुत काम आने वाली है वीडियो। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये कैसे बनी है, इनका सफ़र कैसे रहा है, वोल्टन कंपनी का निशान वो रहा, आपको सब कुछ बताएंगे हमारे प्रशांत जी। मैं प्रशांत जी से अब मिलवाता हूँ आपको। आपको ये वीडियो इतना मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, इतना मज़ा आएगा आपको, इतना मज़ा आएगा, आप इसी वीडियो से कुछ लोग सीखेंगे, सीखने के लिए वीडियो ये बहुत बेहतरीन। आइए चलते हैं, प्रशांत जी से मिलते हैं। चलिए मेरे दोस्तों हम आपको प्रशांत जी से मिलाते हैं, प्रशांत जी आपको बताएंगे इस ट्राई साइकिल के बारे में जो इन्होंने इजाद की है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जगजीत चौधरी व्लॉग में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपने ये अद्भुत नायाब सर आपने खोज की है सर, ये सर आपने क्या सोच के की और सर इसके पीछे क्या क्या आपकी सर विजन था और सर ये किस किस के लिए सर फायदेमंद है? मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल जो है, हाँ जी, अभी आमतौर पे इंपोर्ट होती हैं सारी की। जी जी हाँ जी, इंपोर्ट होती हैं और जो बनती हैं, हाँ जी, वो एक टिपिकल विकलांग वाली बनती हैं। हाँ जी विकलांग वाली, ठीक है ना जी। और उसका भी प्राइस आप लगा लो कि 45,000 से 50,000 के आसपास का जी होता जी, है जी जी हाँ जी, जिसमें कि लेड एसिड बैटरी लगी, लेड एसिड बैटरी होती है जी। जो इम्पोर्ट होती है उनका दाम शुरू ही होता है 1.25 लाख रुपए के आसपास से। हाँ जी बिल्कुल, और 2 लाख 2.5 लाख कहीं भी जाता है डिपेंडिंग ऑन ब्रांड क्या। जी 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 जी। तो हमारे दिमाग में ये था कि हम एक ऐसा कुछ बनाएं जी जो अफोर्डेबल हो जी और जो सिर्फ विकलांग के लिए ना हो जी। तो बेसिक आइडिया वो था जिससे हमने इसको इजाद किया सर। हाँ जी, और बनाया जी जी। और लेकिन जब इसको हमने बना दिया, हाँ जी, तो उसके बाद व्हाट वी रियलाइज्ड वाज कि इसको कोई भी चलाता है जी, एक छोटा बच्चा भी चलाता है जी जी जी, और महिलाएं बड़े आराम से चलाती हैं। हाँ जी हाँ जी, बुजुर्ग बहुत आराम से चलाते हैं जी 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 जी, क्योंकि स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी तीन चक्के हैं, तीन चक्के हैं सर। हाँ जी, फिर हमारे पास लोगों का की इंक्वायरी आने लगी, लोगों ने बोला नहीं जी हमको सीट एक ही चाहिए, सीट एक जैसे ही, इसमें दो लोगों के बैठने की जगह है। हाँ जी हाँ जी, हाँ सीट एक ही चाहिए जी जी, पीछे में कुछ जगह दे दो जहाँ पे हम कुछ सामान कैरी कर सकते, घरेलू सामान। हाँ जी जी, तो उसके लिए फिर हमने ये वाली डिजाइन। हाँ तो सर इसमें मोर और लेस जो डायमेंशन है इसका पीछे में, हाँ जी हाँ जी, वो आप 2 फुट बाई 2 फुट का जी 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 कुछ भी कैरी करने बॉक्स, के लिए बॉक्स लगा सकते, ऐसा हैं, लगा हाँ सकते हाँ हो जी, या बैग रख सकते हो जी जी जी, पानी की बोतलें रख सकते हो, हाँ जो हाँ भी जी रखना चाहो रख सकते हो। हाँ जी हाँ जी सर, अभी अब मुद्दे पे आते हैं, मैं बताता हूँ इसके फीचर्स इसके बारे में। कैमरामैन जी, हाँ जी इधर जाइए, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे जी, तो ये बैटरी इंडिकेटर है, बैटरी इंडिकेटर हाँ, जाता है जी सर जी, ठीक है जी, ये इसके ये इंडिकेटर है, लेफ्ट और राइट इंडिकेटर है। हाँ जी क्या बात है सर, लाइट कितनी प्यारी है सर। ये थोड़ा सा आप लोगों को इसमें स्क्रैचेस वगैरह लगेंगे क्योंकि ये ट्रायल पीस है, ये ट्रायल पीस है, तो ये लोग आते हैं चलाते हैं देखते हैं। कितना वेट होगा सर इसका? 50 किलो के आसपास। 50 किलो के आसपास है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब सर लाइट की बात की जाए इसमें जी, ये लाइट कैमरामैन, ये लाइट है, ये बटन है इसका, और ये देखिए लाइट जल गई है, कितनी प्यारी लाइट है, लाइट जल गई है। और ये है इसका ग्रीन वाला, ये इसका देखिए हॉर्न है, और इसकी जब सामने वाली लाइट जलती है, हाँ जी, तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये तीन हैजर्ड लाइट भी जलती, तीन हैजर्ड लाइट भी जलती है, ताकि जब आप रात में चला रहे हो, हाँ जी हाँ जी, तो आप सामने वाले को, ये वाली ब्लू वाले को बड़े आराम से दिखाई दे, ये वाला ये लाइट, ये सर कंटिन्यू जलती रहती है लाइट के साथ में। और ये सर इंडिकेटर है, हाँ, ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है, और इसके साथ ये वाली जो लाइट है, हाँ जी हाँ जी, ये ब्रेक लाइट है, जब आप ब्रेक दबाएंगे ये ब्रेक लाइट है। क्या बात है सर, ये लाइट बहुत बढ़िया सर, ठीक है बहुत बढ़िया सर। इसमें एक और चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, हाँ जी हाँ जी, इसमें एक तो यहाँ दो शॉक ऑब्जर्वर्स लगे हुए, हाँ जी,
साइड में दो लगाए हैं ताकि जो राइडर है उसको राइडिंग कंफर्ट रहे, कंफर्ट रहे। ठीक जी, है जी, बहुत बढ़िया। दूसरा एक और चीज आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया गया, हाँ जी हाँ जी, वो सारी की सारी वही चीजें हैं जो एक रेगुलर रिक्शा मेला जिसमें इस्तेमाल किया जिस जाता है, यूज की जाती है, वही सारी चीजें। आइडिया क्या था इसको इस तरीके से बनाने का, इन कंपोनेंट से बनाने जी, जी जी जी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आती है, आफ्टर सेल्स में आती जी, है जी 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 ठीक है ना जी। तो हमारा ये आइडिया था कि हम कोई बहुत बड़े कंपनी तो है नहीं, हाँ जी, हम सर्विस सेंटर हर जगह खोलेंगे जी 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 जी। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया है, हाँ जी, कि आप इसको कहीं पे भी रिपेयर करा सकते हैं, कोई भी साइकिल वाला इसको आम साइकिल की दुकान पे, हाँ, क्या बात है, आम साइकिल की दुकान, रिक्शा की दुकान पर भी आप इसे रिपेयर करा सकते हैं, और इसके स्पेयर्स आपको कहीं पे भी किसी गाँव में, हाँ, किसी शहर में बड़े आराम से मिल जाए। टायर सर ये ट्यूब वाला है या ट्यूबलेस है? ट्यूब वाला ही टायर है, रॉयल्सन कंपनी, रॉयल्सन कंपनी का है। बहुत बढ़िया सर। अब सर इसमें सर बात है मोटर की, सर मोटर इसमें 350 वॉट की मोटर है जी जी जी, पीएमडीसी मोटर है। अच्छा, और सर बात बैटरी की जाए तो सर, बैटरी इसमें दो कैपेसिटी में आती है, हाँ जी, एक 40 किलोमीटर देती है, अच्छा, और एक 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर वाली बैटरी जो होती है, हाँ जी, वो 24 AH की होती है जी, जो 80 किलोमीटर वाली होती है वो 42 AH की होती है। तो सर जो आपकी जो ये बैटरी है 140 किलोमीटर चलती है, एक चलती है 80 किलोमीटर, तो सर उसी के हिसाब से सर रिक्शा का रेट भी होगा। हाँ, तो सर रिक्शा का रेट क्या क्या है सर? एक 55,000 का है, एक 65,000 का है। दो सेगमेंट है सर आपके? दो पास सेगमेंट, दो सेगमेंट है सर। वो स्पीड क्या है, बैटरी के हिसाब से? बैटरी के हिसाब से। बाकी जो बॉडी है वो सेम है? बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम है। बहुत बढ़िया सर। अब सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर सर भाई देवे आपसे कोई डीलरशिप लेना चाहता है, उन डीलर भाइयों के लिए सर क्या क्या प्रॉफिट है सर आपके पास, उनको कितना मार्जिन हो सकता है? डीलर भाई मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे, अच्छा, अपना डिटेल भेज दे जी जी जी, उनका क्या मार्जिन होगा और क्या कर रहा होगा वो मैं उनको ही बताऊंगा वो उनको बता दिया जाएगा सब कुछ। और सर सिंगल अगर किसी को पीस लेना है कोई भी आपका, तो सर वो ऑर्डर कर सकता है हमारे को, वो ऑर्डर कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे, हम उससे कांटेक्ट कर लेंगे और वो उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर सकता है। होम डिलीवरी होगी जी जी जी, होम डिलीवरी का 5,000 रुपए कॉस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी बनी हुई जाती है, बनी हुई जाती है जी जी जी, ठीक है ना जी जी। तो टोटल सर अगर बाय द वे मैं इसे बिहार मंगवाता हूँ या मैं इसे हिमाचल मंगवाता हूँ, तो सर मेरे को कितने पड़ने वाली है रिक्शा? एक 60,000 की होगी, एक 70,000 की होगी। 70,000। अभी एक और बंदे हैं तेलंगाना से जी, उन्होंने उनका एक एसोसिएट है जो काफ़ी टाइम से उनके साथ है जी जी, और अभी आई थिंक कोई 1.5 साल पहले उसको एक पैरालिटिक अटैक हुआ है जिसमें उसका लेफ्ट हैंड काम करना बंद कर दिया। माय गॉड जी। तो उन्होंने भी हमें ऑर्डर दिया है। अच्छा, वो यहाँ पे एक अलमारी जैसा बनवा रहे हैं, अलमारी जैसा जी, जिसमें रैक होगा, हाँ, शेल्फ जी, हाँ, जी जी जी, और उसमें वो साड़ी वगैरह रख के चाहते हैं कि वो उसको बेच के अपना जीवन यापन कर पाए। क्या बात है, बहुत। तो इसकी यूटिलिटी कुछ भी हो सकती है जी जी जी, वो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो पीछे जो स्पेस है उसमें आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। इसकी टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी 130 किलो की है, 130 किलो की, लेवल रोड, ड्राइवर समेत जी जी, लेवल रोड पे, लेवल इंक्लाइन पे नहीं, इंक्लाइन मतलब सरकार को पहले तो थैंक यू, हाँ जी, हम भारत सरकार मोदी जी को थैंक यू, मोदी जी को जी 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 जी, क्योंकि जब हम ये बना रहे थे ना तो आमतौर पे आप देखोगे कि जो भी थ्री व्हीलर है पूरी दुनिया में जी जी जी, वो जब भी चलता है ना, हाँ जी, तो वो एक तरफ को खींचता है, इसलिए हाँ, आप देखोगे कि रिक्शा वाला जो है वो टेढ़ा होकर बैठा हुआ, हाँ, कई मैंने बसेस भी देखी हैं, हाँ जी जी, ठीक है, या ई रिक्शा वाला भी जो है वो एक साइड होके थोड़ा सा बैठता है, हाँ हाँ, क्योंकि खींचती है, एक साइड खींचती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो वो हमने भी जब पहले बनाया था तो वो खींचती थी, हाँ जी। तो हमने सोचा इसको ठीक कैसे किया जाए जी जी, तो हमने डिफरेंशियल में ये जो पीछे शाफ्ट है, हाँ जी, पीछे शाफ्ट में हमने एक चेंज किया है जी जी, जो दिखता नहीं है देखने से वो मैकेनिकल मुद्दा है जी, उससे इसकी जो वो शिफ्ट होती है ना, जो खिंचाव है, हाँ जी हाँ जी, बहुत मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिससे इसको कोई भी चला पाता, कोई भी चला सकता है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत भी है, हाँ जी, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस अगर करता है तो प्रैक्टिस के बाद आराम से चला सकता है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी जी। तो इसका जो डिजाइन पेटेंट है, हाँ जी, जो डिफरेंशियल का जी जी, वो हमने अप्रोच किया था एक NRDC करके ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी 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 जी, उन लोगों ने भारत सरकार द्वारा, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए इसका पेटेंट फाइल किया। क्या बात है, क्या बात, फ्री ऑफ कॉस्ट सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बात, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पेटेंट कराने जाओगे तो टोटल प्रोसेस में आपके कम से कम 2.5-3 लाख रुपए
खर्च हो जाते हैं जी। एक और बहुत अच्छी चीज जो भारत सरकार ने हमारे लिए की जी, कि इनका एक सीड फंड स्कीम होता है, सीड फंड स्कीम जी, जिसमें वो स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल हेल्प देते हैं जी 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 जी। उसके अंडर में हमें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ दिल्ली में, हाँ जी, सुना होगा आपने, सुना है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके थ्रू हमें 20 लाख रुपए का अनुदान मिला जी जी, ठीक है। कुल मिलाकर के मोदी जी ने जो सपनों का भारत, जो अब मेक इंडिया की जो शुरुआत की थी सर ने, उसको जमीन पे उतार डाला है। कमाल है सर। सर पहली बात तो सर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा सर, आपको बता दूं हमारी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है बजाज फिनसर्व के साथ में। अच्छा, तो होपफुली इस हफ्ते के अंत से आपको ये फाइनेंस पे भी अवेलेबल हो जाएगी। क्या बात है, यानी कि आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हो, बस आपका सिविल सही होना चाहिए। हाँ, जी, क्योंकि एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, हाँ जी, इसके लिए और अभी अब साइकिल भी देखेंगे। हाँ, जी जी जी, बहुत एक वैसा तबका जो उतना एफ्लुएंट नहीं है, जी जी, उन लोगों की जरूरत की चीज है, जी जी जी, लेकिन वो खरीदना चाहते हैं, एक साथ इतने पैसे नहीं दे पाते। हाँ, उनके लिए ईएमआई स्कीम रहेगी, हाँ, तो उनके लिए अफोर्डेबल रहेगा लेना। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जी जी, और जो ऐसे रोजमर्रा के काम काज करते हैं, जो डेली कमाना डेली खाना, हाँ जी हाँ जी, उन लोगों को सुंदर भी लगती है, पसंद भी आती है, उनकी लेने की भी बहुत इच्छा होती है। हाँ, कोई बोलता है कि जी मैं 15,000 दे देता हूँ, बाकी किस्त पे दे दो। हाँ जी, कोई कहता है जी मैं 20,000 दे देता हूँ, कोई कहता है 10,000 दे देता हूँ। जी जी जी, लेकिन अभी तक हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। हाँ, लेकिन अब हमारी ऑलमोस्ट बात फाइनल हो गई है, तो इस हफ्ते के अंत तक। और बैटरी इसमें हम लिथियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, लिथियम लेड एसिड नहीं है, लिथियम में भी लिथियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, लिथियम आयन नहीं इस्तेमाल करते हैं जी, क्योंकि आमतौर पे जो आप देखते हो ना स्कूटी में आग लग गई, हाँ, वो लिथियम आयन बैटरी होती है जी 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 जी, तो लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें ब्लास्ट होने का या आग लगने का चांस रहता है जी। लिथियम फॉस्फेट सेफेस्ट बैटरी है इस समय में, उसमें आग नहीं लग सकती और वो ब्लास्ट नहीं होती। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये वीडियो हमारा बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि ये भारत के अंतिम व्यक्ति तक, हमारे हम जैसे गरीब व्यक्तियों तक पहुंचे, ताकि वो इस जो ट्राईसाइकिल है इसका पूरा फ़ायदा उठा पाए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, और प्रशांत सर की एक और चीज़ है, वो है साइकिल, सिर्फ साइकिल, ये ट्राईसाइकिल है, वो दो पहियों वाली साइकिल है, उसका नाम है बूटी। तो उसकी अलग वीडियो आएगी आपके पास, उसका आप इंतजार करना। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप इसको कहाँ से देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ढेरों अनमोल वीडियो लाता रहूं। और प्रशांत सर का मैं बोलूंगा थैंक यू, जो हमारे देश को, हमारे मिट्टी को इतनी प्यारी चीजें दी इन्होंने, सर मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू। और मोदी जी की जय हो, क्योंकि मोदी जी हमारे मेक इन इंडिया का प्रस्तुत कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं भारत को, और सबसे बड़ी बात तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है इंडिया, तीसरी इकोनॉमी, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इन जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों का फायदा करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं, सर को और मुझे विदा दीजिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।